हाय एवरीवन, त्यौहार आज हमारे साथ अमृतांजलि हैं। अमृतांजलि ने अपनी जर्नी एक टीयर थ्री कॉलेज से स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद एज अ प्रोफेशनल उन्होंने TCS में काम किया। TCS के बाद स्विच करके शी वेंट टू वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड फाइनली उन्होंने गूगल क्रैक किया है। तो ये पूरी जर्नी एक टीयर थ्री कॉलेज से आकर के गूगल तक की पूरी जर्नी हम लोग जानने वाले हैं, और कैसे ये स्विच किए और इसके लिए कितना डेटा स्ट्रक्चर्स किया, कहाँ कहाँ से चीज़ें लर्न करी, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। Hi Amitanjali, first of all congratulations for Google. Hi Fraz, thank you for inviting me at your channel. I'm Amitanjali and currently I'm working at Microsoft, and previously I worked at Walmart and I have done few internship at TCS and NCR Corporation, and very soon I will be joining Google. And yeah, I am interested in problem solving and I used to create content at YouTube and also at LinkedIn. Yes, तो जैसा कि अमृतांजलि ने बताया, उनका एक YouTube चैनल भी है, तो डेफिनेटली आप लोग जाकर के चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अमृतांजलि का जो कॉलेज था वो टीयर थ्री कॉलेज था। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं टीयर थ्री कॉलेजेस के, जो जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि कंपनीज नहीं आती हैं या फिर हमें ऑफ कैंपस ही अपीयर होना होता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। तो सबसे पहले अमृतांजलि, आपने कॉलेज के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। मेरा कॉलेज मुझे जेई मेन के रैंक के थ्रू मिला था, लाइक ये GFTI के अंदर आती है, लाइक IIT, NIT, IIIT एंड GFTI, ये सारी की एडमिशन लाइक जेई मेन के थ्रू होती है, जिसमें कि मेरा कॉलेज GFTI के अंदर था। और जहाँ तक बात रही प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की, तो यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली 3.5 लाख टू 5 लाख 6 लाख की प्लेसमेंट लेती है। कभी कभी एक दो स्टूडेंट का TCS डिजिटल ये सब लग जाता है 7.5 और 8 LPA का, बट जनरली ये स्टूडेंट लाइक 3.5 टू 5 के बीच में रह जाते हैं। एंड जब मैं प्लेस्ड हुई थी तो उस समय मेरा कॉलेज की हिस्ट्री का हाईएस्ट प्लेसमेंट था एट वॉलमार्ट। सो मतलब अगर देखा जाए तो पहले इससे पहले मेरे से पहले हाईएस्ट 12 गया हुआ था, एंड अभी क्या अपकमिंग ईयर का जो स्टूडेंट सब है वहां पे प्लेसमेंट अच्छा लग रहा है। प्रोबेबली हो सकता है कि मेरे प्लेसमेंट के बाद लोग और TSE ये सब करना स्टार्ट कर दिए हो, बट इस ईयर जो ईयर अभी जस्ट अभी मेरे बाद जो ईयर आई है उस ईयर में काफी सारे स्टूडेंट का 18 LPA, 20 LPA इस टाइप का प्लेसमेंट लगी है। नाइस। तो मतलब आपके जो कॉलेज में कोडिंग करते थे या नहीं करते थे लोग पहले से? जब मैं थी, अभी का मुझे नहीं पता, अभी मे भी बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट इवन कैंडिडेट मास्टर तक है कोड कोर्सेज पे, बट जब मैं थी मेरे बैच तक कोडिंग बहुत ही कम लोग करते थे, एक दो स्टूडेंट करते थे एंड वो भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते थे। एंड कॉलेज में मेनली प्रोजेक्ट ये सब बनाने का कल्चर था, बट कोडिंग का कल्चर नहीं था, मतलब DSL एंड CP इसका कल्चर नहीं था। आई होप आप लोग को अमृतांजलि की स्टोरी अब तक पसंद आ रही होगी। आगे चल के हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे अमृतांजलि ने कैसे माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, कैसे गूगल क्रैक किया, और एक बहुत ही तगड़ा स्टार्टअप क्रैक किया जिसका जो बेस सैलरी है दैट वॉज अराउंड 50 लैक्स। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो लोग एक सर्विस बेस्ड कंपनी से किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, या फिर डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, या फिर अपना जो पैकेज है उसमें इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। तो यार Cryo.do नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, मतलब लाइव सेशंस होते हैं। लाइव सेशंस के बाद आप लोग को एक मेंटोर एलोकेट कर दिया जाता है जो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहता है, और आप लोग असली प्रोजेक्ट्स पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते चीज़ों को सीखते हैं। जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आपके रेज्यूमे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब यार ब्रीफली बता देता हूँ, वैसे तो यार फ्री क्लास होने वाली है इसकी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डेफिनेटली फ्री क्लास तो आप लोग बुक कर ही दो और उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस देख लेना अगर अच्छा लगता है। 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, एक होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट, और एक होता है फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, फ्री क्लास की लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के बुक कर देना। ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये प्लेसमेंट गारंटी वाला प्रोग्राम होता है, मतलब जो लोग एक सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में स्विच करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बेसिक ऑफ कोडिंग सिखाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सिखाया जाएगा, डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज़, और फाइनली आपके इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है, ऑल्दो थोड़ा लंबा प्रोग्राम होता है, 9 महीने का प्रोग्राम है, तो जिनको स्विच करना है वो ये वाला प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमृतांजलि से उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो आपने कब स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम या फिर कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग? सो लाइक अकॉर्डिंग लाइक जैसे कि एनवायरनमेंट मेरा था, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो पूरा प्रोजेक्ट ये सब बनाने में दी थी, डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग ये सब पे, बट जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मुझे रियलिटी का लाइक अंदाजा लगा कि कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, एट द एंड जॉब तो DSA करके ही लगनी है। तो मैं थर्ड ईयर से DSA करना स्टार्ट कर दी थी, CP भी स्टार्ट कर दी थी, मैं कोड पोर्सेस का ABC क्वेश्चन बनाती थी मोस्टली, एंड लाइक ये ज्यादा
इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड आने लगा था, तो उसलिए मैं थोड़ा कम्युनिटी प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कर दी थी एंड मेनली फोकस मेरा था लीड कोड पे एंड डीएसए पे। ओके नाइस, तो एक बार हमें थोड़ा सा रफ आइडिया दोगे कि आपने मतलब कितना रेटिंग हुआ किस प्लेटफॉर्म पे या फिर कितने क्वेश्चंस किए अगर हम लीड कोड की बात करें तो? सो मुझे नंबर एग्जैक्ट पता नहीं है बट मैं बहुत सारा क्वेश्चन की हूँ, मैं बहुत सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन को दोबारा भी की हूँ तो उसको तो मैं दो बार काउंट कर नहीं सकती, तो इस टाइप से मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकती, बट ये था कि मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बहुत ज्यादा क्वेश्चन की थी एंड इवन आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड एट वॉलमार्ट मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाती थी। वॉलमार्ट में जॉब करने के साथ भी मैं 3-4 क्वेश्चन पर डे का लगा लेती थी और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन लगा ही लेती थी। एंड बिफोर वॉलमार्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो उस समय 5 क्वेश्चन एटलीस्ट लग जाता था दिन का, तो यही था मतलब ऑन एन एवरेज कभी एक लगा कभी 5 लगा इस टाइप से। एंड फिर आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट आई वाज वेरी रिलैक्स्ड सो मैं सब कुछ छोड़ दी थी, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत और करना स्टार्ट कर दी बिफोर माई गूगल इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, तो गूगल फोड़ने के लिए मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली, बहुत अच्छी बात है। मैं ज्यादा नहीं की थी, मतलब जो मैं पहले करी थी वही करी थी, मतलब थोड़ा बहुत मैं बहुत कम प्रैक्टिस की हुई सर गूगल निकालने के लिए। नाइस, आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे थे, मतलब मेरे केस में भी यही था कि मैं भी लीड कोड को मैंने बहुत अच्छे से किया था, लीड कोड के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। अभी मेरा एक मेरे 2-3 अकाउंट थे लीड कोड पे, एक अकाउंट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए मैंने। सेम मेरे साथ भी है। हाँ एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे लिंक्डइन पे जाते हैं, मेरा लीड कोड देखते हैं, बोलते हैं आपने तो बस इतना ही क्वेश्चन करा है, बट मेरे पास सीनियर का प्रीमियम अकाउंट था, मेरे कॉलेज के सीनियर थे उनका प्रीमियम अकाउंट था एंड वो अकाउंट 2-3 स्टूडेंट मिलकर यूज करते थे, तो उस पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लगाई हूँ। नाइस नाइस, तो यस यार इट इज़ वेरी गुड कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि डेली के 5 क्वेश्चंस हो जाते थे, तो डेली के 5 हों 4 हों 3 हों उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप वो डेली करें। तो जहाँ पर आप फ्लो ब्रेक करते हैं ना, मतलब मेरे साथ ये मेरे इंटर्नशिप में हुआ था कि मैंने फ्लो ब्रेक किया था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन 750 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे बिफोर माई इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर खत्म होते होते थर्ड ईयर में कंपनी जाना स्टार्ट होती है, 750 क्वेश्चंस करने के बाद मैंने 2 महीने की जो छुट्टी होती है समर वेकेशंस होते हैं उसमें गैप ले लिया। अब उसके बाद फिर सारा खराब हो गया करा हुआ, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, एल्गो रिवाइज किए थे, सारे भूल गया मैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है यहाँ पर। तो अमृतांजलि अभी हमें ये बताओ कि आपने एज अ प्रोफेशनल काम करना स्टार्ट किया TCS में इंटर्नशिप के साथ, राइट? जो कि आपने मेरे को बताया था कि एक अनपेड इंटर्नशिप थी, तो उसमें जाने की मोटिवेशन क्या थी आपकी, मतलब बिकॉज इट वॉज अनपेड, क्या आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिला या उसका कुछ एडवांटेज है आपकी जो बात की जर्नी है उसमें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत लेट DSA स्टार्ट करी थी, बेसिकली मैं थर्ड ईयर के बिगनिंग से स्टार्ट की थी, तो मेरा इंटर्नशिप के टाइम तक प्रिपरेशन नहीं था, मेरे बहुत सारे कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट भी क्लियर नहीं हो रहा था उस समय, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, और इंटर्नशिप लाइक TCS में मुझे ऑफर आया हुआ था थ्रू कोडबीटा, मैं कोडबीटा का टेस्ट दी थी, तो मैं जस्ट ज्वाइन कर ली थी और जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, बट मेरा लर्निंग हुआ था वहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा मेंटरिंग मिली थी। नाइस नाइस, फिर उसके बाद आपने NCR कॉर्पोरेशन जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है 8LPA पैकेज के साथ, वो आपने क्रैक करी, तो उसका क्या प्रोसेस था? तो उस टाइम तक मेरा जैसे जब मेरा NCR कॉर्पोरेशन का टाइम था उस समय मेरा 6 मंथ का इंटर्नशिप था, उस टाइम तक मेरा प्रिपरेशन हो गया था मतलब कोई भी कंपनी को क्लियर करने लायक, तो मैं हैकर रैंक का टेस्ट दी थी एंड हैकर रैंक के टेस्ट क्लियर हुआ था, उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ था। उस टाइम मेरा बहुत सारे पहले क्या होता था कि मेरा टेस्ट ही क्लियर नहीं होता था जब मैं थर्ड ईयर का इंटर्नशिप ढूंढ रही थी समर इंटर्नशिप, बट जब मैं 6 मंथ इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट करी उस टाइम तक इतना हो गया था, इंप्रूवमेंट खुद में दिखती है इसीलिए मैं बोलती हूँ खुद से कंपटीशन करो किसी और से मत करो, तो उस टाइम तक मेरा टेस्ट क्लियर होना स्टार्ट हो गया था, बट टेस्ट क्लियर होने के बाद भी मतलब सारे क्वेश्चन करने के बाद भी कॉल नहीं आती थी, सो उस टाइम उसे हैकर रैंक से कॉल आ गई थी एंड फिर मैं उसका इंटरव्यू दी, वो क्लियर हो गया, उसे मुझे 6 मंथ की इंटर्नशिप मिली थी। ग्रेट, फिर उसके बाद आपने वॉलमार्ट ज्वाइन किया, तो वॉलमार्ट में क्या प्रोसेस था, मतलब आपने अप्लाई किया था या फिर रिक्रूटर ने आपको अप्रोच किया था? सो फॉर वॉलमार्ट लाइक डेयर टू कम्प्लीट साइट थी, उसमें लाइक कॉन्टेस्ट चल रही थी, लाइक इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप Tier 1 कॉलेज से नहीं हो तो बहुत ही कम चांस है कि रिक्रूटर आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करे, ये रिक्रूटर कॉन्टेक्ट तब करेंगे जब आपके पास पहले से एक ब्रांड आ जाए, जैसे कि जब मुझे वॉलमार्ट का ब्रांड मिल गया था तब मुझे बहुत सारे रिक्रूटर कॉन्टेक्ट करते थे, बट बिफोर दैट बिफोर वॉलमार्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता था, तो
वॉलमार्ट में यही था कि डेयर टू कम्पीट पे साइट पे एक कॉन्टेस्ट चल रही थी, उसे मैं पार्टिसिपेट करी, उसका टेस्ट क्लियर हुआ, फिर से उसका इंटरव्यू हुआ एंड उसके बाद मेरा वॉलमार्ट में सिलेक्शन हुआ। तो वॉलमार्ट में जब आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आपने बताया कि बहुत सारे और भी ऑफर्स आपके पास आए, तो सबसे पहला ऑफर आई गेस आपने माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया उसके बाद, राइट? उसके अलावा और भी ऑफर्स थे? यस, लाइक वॉलमार्ट में सिलेक्शन के बाद ऐसा हो रहा था कि लिंक्डइन पे बहुत सारे रिक्रूटर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे थे। उससे पहले मैं लिटरली में पहली बार देखी थी कि ऐसा क्या हुआ, मुझे उतना ही टीएस ही आता है जितना अभी आता है, बट ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतने सारे रिक्रूटर कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद बहुत सारे रिक्रूटर कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं उसके बाद इंटरव्यू ऐसे ही दे देती थी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, कुछ और करने को था नहीं रूम पे, अब जॉब करने के साथ साथ टाइम बहुत ज्यादा बच जाता था, तो चलो उस टाइम इंटरव्यू ही दे देती थी मैं, और वैसे मैं बहुत सारा इंटरव्यू दी थी जस्ट फॉर टाइम प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ। बहुत सारे ऑफर आए थे उसके बाद, मतलब अमेजोन का भी ऑफर था, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर था, फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट चूज कर ली। अच्छा, तो आपने बताया अमेजोन भी क्रैक की हुई है, तो मतलब पूरी फैंकी लिस्ट बन गई यहाँ पर, अमेजोन भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया, गूगल भी हो गया, वॉलमार्ट भी कर लिया, और अमृतांजलि ने एक स्टार्टअप में भी एक स्टार्टअप भी क्रैक किया था जो जिसका सैलरी बहुत ही अच्छा था, 50 के आसपास का इनकम था। मेरा एम स्विच करने का ये नहीं है कि मुझे पैसे का इंक्रीमेंट लेना है, मतलब मीम बॉस आता है ना कि 3 बार स्विच करो 150% हाइक लो, बट ये मेरा एम नहीं है, मेरा मेन एम लर्निंग है। नहीं, अगर पैसे का होता तो उसी स्टार्टअप में, हाँ उसी स्टार्टअप में जाते ना अगर पैसे का होता तो, जिसमें 50 इन हैंड मिल रहा था, तो इसे बहुत अच्छी बात है कि लाइक आपने कंटिन्यू रखा डीएसए को भी, मतलब बहुत लोगों का होता है कि एक पॉइंट पे आने के बाद सैचुरेट हो जाता है, अब नहीं करना है, तो फिर वो मतलब स्टैग्नेशन वाली फील आ जाती है, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो जस्ट इन केस अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं या फिर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी हैं और आपको स्विच करना है दूसरी कंपनी में, तो आपको डीएसए कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगेन, जैसा कि मैंने बोला, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लोगे तो फिर ये लगेगा कि यार बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हो आप, वहाँ पर जाके थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब जाते जाते आप बाकी हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स वगैरह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सो मेरा फर्स्ट टिप ये रहेगा कि कभी भी रिजेक्शन से डिमोटिवेट नहीं हो। गूगल में मेरा 2 बार रिजेक्शन आ चुकी है और ये थर्ड इंटरव्यू था मेरा, मतलब हर 3 मंथ का इसका नोटिस पीरियड, कूल डाउन पीरियड होती है ना, हर 10 मंथ में मैं अप्लाई कर रही थी गूगल पे। अच्छा, तो एंड जब तक आपका गोल नहीं कम्प्लीट हो, मतलब आपका टारगेट है कि आपको ये कंपनी ज्वाइन करना है, तो मेरा टारगेट था माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट के बाद मैं डीएसए करना छोड़ दी थी, बट जब तक मेरा माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं लगा था मैं डीएसए कर रही थी। एंड इसमें ये मैं सोचू कि इतना क्वेश्चन करना, उतना क्वेश्चन करना, जितना क्वेश्चन लगाना लगाओ, बट एट द एंड मैटर क्या करना चाहिए कि आपको अपना डेस्टिनेशन पर रीच करना है, एंड उसके लिए आपको जो करना है करो, आपको डीएसए करना है, सीपी करना है, आपको जो भी लगता है कि ये करने से उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे वो सब कुछ करो। थैंक्स अलॉट अमृतांजलि फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और आई होप आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिली होगी। भले ही आपका कॉलेज टीयर 3 है, भले ही आपकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगी है, और उसके बाद भी बहुत सारे चांसेस आपके पास आने वाले हैं, तो जैसे ही कोई मौका आता है, कोई चांस आपके पास आता है, आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। यही मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करो और जैसे ही मौका मिले निकाल दो, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।